हेलो हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा। कुछ दिन पहले दिल्ली में ऐसा ही कुछ वाकया हुआ। एक बिजनेसमैन का दावा है कि उनके फोन पर कई बार मिस्ड कॉल्स आए, जिसके बाद उनके खाते से 50 लाख रुपए गायब हो गए। है ना चौंकाने वाली बात। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिस्ड कॉल एक जरिया हो सकता है आपका ध्यान भटकाने का, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको इस स्कैम का शिकार बना सकती है। हैकर्स मिस्ड कॉल के जरिए आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। दरअसल वो आपको मैसेज या मेल के जरिए कोई मालवेयर भेजते हैं, जिसके जरिए आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। ये भी संभव है कि आपके सिम की क्लोनिंग की गई हो। अगर ऐसा होता है तो अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते समय आपको बैंक की ओर से एक मैसेज आता है। आप वो मैसेज चेक ना कर सके, इसके लिए हैकर्स लगातार आपको मिस्ड कॉल या ब्लैंक कॉल करते हैं, और ऐसे में आप उसी में उलझ जाते हैं और आपके खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। आप इससे कैसे बच सकते हैं? आपको लगातार कोई मिस्ड कॉल या कॉल कर रहा हो तो इस बीच आए किसी भी मैसेज को आप नज़रअंदाज ना करें। अगर आपके खाते से कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन की आशंका लगती है तो तुरंत अपने बैंक को फोन कर अपने खाते को फ्रीज करवाएं। ये हुई सिम क्लोनिंग की बात। जैसे सिम क्लोनिंग हो सकती है, सिमिलरली हैकर्स एटीएम कार्ड क्लोनिंग भी कर सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर के साथ ऐसा ही एक मामला सामने आया। उनकी एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर 50,000 रुपए निकाल लिए गए। ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? अगर आप एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं तो पैसे निकालने से पहले मशीन में कार्ड डालने वाले स्लॉट को जरूर देखें। यदि आपको ये स्लॉट थोड़ा ढीला लग रहा हो तो इसमें अपना कार्ड बिल्कुल ना डालें। आप ईएमवी चिप बेस्ड कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। ईएमवी कार्ड में ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो कि आपके कार्ड को हैक होने से बचा सकते हैं। आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी इस प्रकार के साइबर अटैक से बच सकते हैं। थैंक यू।